अभी लाइव हॉस्पिटल 86 लोगों की सूची आई थी, उसमें हम लोगों ने 53 को लोकेट कर दिया है, 52 बाहर है, मोस्टली दिल्ली में है और क्वारंटाइन है। उसमें से 86 में से सिर्फ एक आदमी बिहार में है और वो भी क्वारंटाइन में है, क्लियर हो गया। रेस्ट 33 आदमी जो हैं, 86 में से 53 का हिस्सा दे दिया, 33 आदमी हैं, उसमें 9 आदमी बिहार के हैं नहीं, उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, और 10 आदमी का ट्रेस इसने पर उनका नंबर सही नहीं है तो उनको पता कर रहे हैं, 6 आदमी का रिपीट नंबर है और उसके लिए टेस्ट नहीं हो पाए हैं, 2 आदमी का नंबर भी हमारे पास नहीं है और 6 आदमी का नंबर गलत है। तो हमारे पास जो 33 आदमी बचे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उसमें 9 आदमी बिहार के नहीं है, कुछ नंबर गलत हैं, तो इस पर काम हो रहा है। इतना हो गया। अब 57 जो फॉरेनर की बात कर रहे हैं, जो सूची थी उसमें से 35 हम लोग ने लोकेट कर लिया है, उसमें 10 ही बिहार में हैं, 1 9 अररिया में क्वारंटाइन है, 1 समस्तीपुर में, उनका सैंपल भी ले लिया गया है टेस्ट के लिए, रिजल्ट अभी नहीं आया है। 22 जो हैं वो या तो बिहार आए नहीं या बिहार आकर के लौट, तो वो ट्रेस नहीं हो पाए हैं, उनका हम लोग पता कर, ये क्लियर हो गया। एक तीसरी लिस्ट थी 2 आदमी की, जिसमें 2 बंगाली थे जो बिहार आए थे, उसमें से 1 देवघर में उनका लोकेशन पता चला, बिहार में उसमें से 1 ही आदमी है और DMCH दरभंगा में क्वारंटाइन है, उसका भी सैंपल ले लिया गया है। और 7 और आदमी की सूची थी जो कटिहार के, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में क्वारंटाइन है, वो यहाँ आए ही नहीं। और इसके अलावे टोटल 70 यहाँ पर विदेशी थे जो पहले से आए हुए थे अलग अलग जगह पर, वो पहले से ही यहाँ क्वारंटाइन है, और 8 और लोग नेपाल के मिले थे समस्तीपुर में, वो क्वारंटाइन है, तो वो 78 आदमी की वो सूची होगी। अब इसके अलावा 4,597 लोगों का एक लिस्ट आया है मोबाइल डंपिंग के आधार पर, देखिए वो क्या है? सुनिए, वो ये है कि पिछले फोर्टनाइट में जो लगातार 6 दिन तक मरकज के आसपास रहे हैं या मरकज में भाग लिए हैं, उन लोगों की सूची है। उसमें जो हमारे यहाँ बिहार में सूची आई है, उसमें बिहार में केवल 394 लोगों की सूची है जो 6 दिन मरकज के आसपास रहे थे पिछले फोर्टनाइट में, ठीक है। ये 394 की जो सूची बिहार को भेजी गई है, उसमें सिर्फ बिहार के 345 ही लोग हैं और बाकी 49 लोग जो झारखंड के या अन्य प्रदेशों के हैं। तो ये 394 को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कौन है, क्योंकि केवल नंबर है, नाम की सूची नहीं है। डाटा डंप एनालिसिस में तो नंबर आता है, तो केवल नंबर है, इस नंबर से हम उनकी तलाश कर लेंगे, उनको क्वारंटाइन करेंगे, बाकी जो सेट ड्रिल होगा। और ये 4,500 वाला नंबर क्या है? हम लोग वो पूरे देश का अलग अलग प्रदेशों को भेजा गया होगा। हमारे यहाँ जो सूची आई है वो सिर्फ 394 की है, उसमें 345 ही बिहार के हैं, बाकी सब कुछ जगह हेल्थ वर्कर्स जो जा रहे हैं लोगों को क्वारंटाइन करने, उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। देखिए इस समाचार को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके मीडिया ने प्रसारित किया है। मैं हाथ जोड़ करके मीडिया के साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत धीरज से, बहुत संयम से काम लेने का समय है, ये संकट का समय है। बिहार में सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, मस्जिदों में नमाजें बंद हो गई, चर्च बंद हो गया, गुरुद्वारा बंद हो गया, पुलिस ने कहीं एक लाठी पटका क्या, सबने स्वेच्छा से मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बंद कर दिए, तो बिहार के लोग तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये नासमझी में कम्युनिकेशन गैप के चलते, एक जगह मधुबनी में पुलिस गई थी वहाँ पत्थर कोई फेंक दिया, या मुंगेर में पुलिस गई थी कोई पत्थर फेंक दिया, इसको इस तरह से प्रोजेक्ट मत कीजिए कि कोई कम्युनिटी पुलिस का विरोध कर रही है।